Hello everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक नया कॉन्टेस्ट लॉन्च कर दिया गया है गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पे, जो कि है माई जी ओ वी मेरी सरकार। इस कॉन्टेस्ट के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको यहाँ पे कैश प्राइज मिल सकता है अराउंड अबाउट 1.5 लाख का। सो अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे रखी गई है। करना क्या होगा, एक छोटा सा लोगो डिज़ाइन करना है। अगर आप विनर चूज हो जाते हैं यहाँ पे, सो ये अमाउंट आपको भी मिल सकता है। अब लोगो डिज़ाइनिंग की जैसे कि हमने बात की, अगर आपको लोगो डिज़ाइनिंग आती है तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब किस टॉपिक पे आपको लोगो डिज़ाइन करना होगा उसके बारे में हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है इसे सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हो सके आपको लोगो डिज़ाइनिंग नहीं आती है, आपके फ्रेंड्स को आती है, सो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है ये। कोई एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, कोई पर्टिकुलरली क्राइटेरिया इस तरह का भी नहीं रखा गया है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं या प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। एनीबडी हु हैज़ द स्किल ऑफ लोगो डिज़ाइनिंग कैन अप्लाई फॉर इट। सो चलते हैं अब वीडियो के अंदर। हम चलेंगे माई जी ओ वी मेरी सरकार के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो डिज़ाइनिंग कॉन्टेस्ट फॉर द G20 प्रेजिडेंसी ऑफ इंडिया अब लॉन्च कर दी गई है। यहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है ऑन G20 प्रेजिडेंसी ऑफ इंडिया। अगर आपको G20 के बारे में नहीं पता तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, G20 स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ 20 में 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन मिल के ऐसे इशूज़ पर बात करते हैं जो कि हमारी ग्लोबल इकनॉमी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ के बारे में, इंटरनेशनल नेशनल इशूज़, क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड, मिटिगेशन से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात होती है जहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी हमारी रिलेट करती है। सो G20 सबमिशन इस बार इंडिया में होने वाली है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इंडिया में होने वाली है। सो इसी मौके पे बेस्ड आपके पास यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिन पे इनको एक लोगो चाहिए जो कि रिप्रेजेंट कर सके G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे बात करते हैं इस कॉन्टेस्ट से रिलेटेड। अगर आप कॉन्टेस्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, सी डिटेल्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी सारी की सारी। जैसा कि हमने बात की, कॉन्टेस्ट आपका लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, जहाँ पे आपके लिए टास्क ये रखा गया है कि आपको G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया पे कुछ लोगो डिज़ाइंस के सैम्पल इन्हें सेंड करने होंगे। इन रिटर्न आपको गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा कैश प्राइज मिल सकता है। अगर आप विनर नहीं भी बनते तब भी आपके लिए कैश प्राइज यहाँ पे रखा गया है। बात करते हैं, G20 इंडिया होल्ड करके रखेगी 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम होने वाला है। अगर बात करें इस समिट के अंदर किस तरह की डिस्कशन होती है, सो यहाँ पे जितने भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, हेल्थ, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकनॉमी, एनर्जी, करप्शन से रिलेटेड, देन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन, टूरिज्म एंड कल्चर, जितने भी सोशल और नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कशंस होती है, पॉसिबल आउटकम्स निकाले जाते हैं, सोल्यूशंस निकाले जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट समिट है ये। उससे रिलेटेड आपके पास ये टास्क दिया गया है दैट यू हैव टू डिज़ाइन अ लोगो दैट रिप्रेजेंट दिस थीम। सो इस थीम के ऊपर आपको कुछ लोगो डिज़ाइंस करने होंगे, जिसका बेस्ट लोगो होगा वहाँ उसे यहाँ पे विनर बना दिया जाएगा। अगर बात करें क्राइटेरिया का, सो क्या क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे, लोगो रिफ्लेक्ट करना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल G20 को, G20 जैसा कि हमने बात की। उसके बाद यहाँ पे एक और क्राइटेरिया ये रखा गया है कि हमारा जो इंडिया का अब नेक्स्ट 25 ईयर्स का एक पीरियड आने वाला है, 75 से लेकर 100 ईयर्स तक की जो हम ये जर्नी करने वाले हैं, उसका नाम रखा गया है अमृतकाल। सो अमृतकाल को ये रिप्रेजेंट करे, जो कि हमारी एक फ्यूचरिस्टिक विजन है कि किस तरह से हमारी कंट्री अब ग्रो करेगी। सो उस पे बेस्ड आपका जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उसकी भी आनी चाहिए आपके लोगों के अंदर। लोगों के अंदर आप कलर कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह से रखेंगे जो कि हमारे नेशनल ट्राइकलर को भी रिप्रेजेंट करती है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए जो कि आपके पास यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में दी गई हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही आप अपना लोगो डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा अगर विनर्स की बात की जाए, यहाँ पे विनर को मिलने वाला है 1,50,000 रुपीज़ तक का कैश अमाउंट
और अगर आप विनर नहीं भी बनते तो यहाँ पे बेस्ट फाइव्स को यहाँ पे मिलने वाला है 15,000 ईच पार्टिसिपेंट को। उससे नेक्स्ट फाइव जो होंगे उनको 10,000 रुपीज़ ईच पार्टिसिपेंट को मिल सकता है। सो ये है आपके पास प्राइजेस से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैं बता देती हूँ लास्ट डेट आपकी सबमिशन की रहेगी 7th of June 2022। उससे पहले पहले आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के पास, आप एक ट्रायल भी दे सकते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप बहुत एक्सपर्ट है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आप अप्लाई तो कर सकते हैं बट चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। स्टार्ट डेट आपकी यहाँ पे May 7, 2022 से शुरू हो गया था, लास्ट डेट है June 7, 2022। सो उससे पहले पहले आपको अपना लोगो यहाँ पे सबमिट करना होगा। कि ये तो रही सारी डिटेल्स, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना चाहते हैं सो उससे रिलेटेड भी आपके पास लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, क्लिक कर सकते हैं, आप पहुँच जाएंगे टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज के अंदर। वैसे ऑलमोस्ट हमने सारी ही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, डायरेक्टली चलते हैं हम किस तरह से इनरोल करेंगे। तो इनरोल के लिए आपके पास सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन साइनअप का प्रोसेस तो आप जानते ही, हमने इतने सारे क्विजेज ऑलरेडी पास किए हैं, सो बहुत इजी सा आपका क्राइटेरिया रहता है। लॉगिन आप कर सकते हैं ईमेल आईडी मोबाइल के साथ। जैसे आप लॉगिन साइनअप का प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा डू दिस टास्क नाउ का। अभी तक यहाँ पे 343 सबमिशंस हो चुकी हैं, अंडर रिव्यू हैं, अभी तक कोई अप्रूव नहीं हुई है। सो आप यहाँ पे डू दिस टास्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे डू का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि किस तरह से आपको अपने टास्क सबमिट करना है। सो टास्क सबमिट करना बहुत ही इजी सा स्टेप है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी मेक श्योर कि आप अपना लोगो अच्छे से क्रिएट करें, किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले लें आप अगर अपना लोगो अच्छा बनाना चाहते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। इस तरह से आप अपना टास्क सबमिट कर सकते हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपका लोगो अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर जो जो टॉपिक्स बताए गए हैं उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आप अपना लोगो डिज़ाइन करिएगा। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस कॉन्टेस्ट से रिलेटेड डिटेल्स हम ऑलरेडी सारी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आती है, मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, डू लेट मी नो, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।